कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 के मकीन पानी की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने राशिद मिन्हास रोड के दोनों ट्रैक बंद कर दिए जिसके बाइस ट्रैफिक जाम हो गया। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान हफीज से। इमरान, गुलशन इकबाल में पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज के बारे में क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये कई दिनों से जो है, जो जैसे मुजाहिरीन का कहना है कि कई रोज से पानी की बंदी जो है वो इलाके के अंदर जारी है, जिसके बाद वो आज मजबूरन जो है वो सरापा एहतजाज होने पर मजबूर हुए हैं और ये अलादीन पार्क के पास जो है ये यहाँ पर सारे के निकल आए हैं और एहतजाज के बाद दोनों ट्रैक जो है वो इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद करके वहाँ पर जो है वो इत्यादि धरना भी दिया है, नारेबाजी भी जारी है, लोगों ने प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं, जिसके बाद इंतहाई मसरूफ तरीन जो रोड है राशिद मिन्हास, इसके दोनों ट्रैक जो है ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें, मतलब हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं जो इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसी हैं और उसमें लोग जो हैं वो ज़हनी अजियत का शिकार हैं। पुलिस की जानिब से जो है वो कोशिश की गई इनसे मुदाकरात की, लेकिन अभी तक जो है मुदाकरात में कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान हफीज अपडेट करने के लिए।